Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So our today's topic is complement of a set. इससे पहले अपन चार टॉपिक कर चुके हैं. चारों को एक बार जल्दी से मैं आपको एटलीस्ट नाम तो बता देता हूँ क्या क्या कर चुके हैं. नहीं, चार नहीं, तीन ही तो किए. यूनियन ऑफ सेट्स, तीन ऑपरेशन हम लगा चुके हैं ना. यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस कर चुके हैं ना. एंड डिफरेंस, उससे पहले सेट्स की परिभाषा दी थी, वो सब तो है जो है. सेट्स क्या होते हैं, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, वो सब तो था. लेकिन ऑपरेशन में अपन ये तीन ऑपरेशन लगा चुके हैं. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट भी एक तरीका का ऑपरेशन ही है. लेकिन देखो, ये तीन ऑपरेशन तो एक बार में दो सेट पे अप्लाई होते हैं. जैसे यूनियन करोगे तो दो का करोगे, इंटरसेक्शन करोगे दो का करोगे, डिफरेंस करोगे दो का करोगे. कॉम्प्लीमेंट एक ही सेट पे अप्लाई होता है, मतलब एक ही सेट पे अप्लाई होने वाला एक ऑपरेशन है. लेकिन फिर भी इसमें दो सेट इन्वॉल्व हो जाते हैं. ध्यान से सुनना, कॉम्प्लीमेंट एक बार में एक ही सेट पे अप्लाई किया जाता है, लेकिन एक ही सेट में अप्लाई करने के बावजूद भी इसमें दो सेट इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने आप ही. एक यूनिवर्सल सेट पढ़ा था अपन ने, वो ऑटोमेटिकली इसमें इन्वॉल्व हो जाता है. वो ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है. ठीक है, तो हेडिंग मार्क कर ली सबने, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट. देखो, आपको बेसिकली देसी भाषा में समझाते हैं. लेट अस सपोज ये एक यूनिवर्सल सेट है. इसमें कुछ पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ. 1, 2, खुशी क्या हुआ, 3, 4, 5, 6, कुछ एलिमेंट्स मार्क कर दिए यूनिवर्सल सेट में. और मैंने एक सेट बना दिया जिसमें ये तीन एलिमेंट डाल दिए. तो कोई भी कहेगा कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, क्या कहोगे आप, 2, 5, 6. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट यानी इस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है, ए सेट को छोड़ के, ए सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के बचे हुए सेट को लिखना, बचे हुए यूनिवर्सल सेट को लिखना. ए सेट के एलिमेंट्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के बचे हुए एलिमेंट्स को लिखना. और इसको डिनोट कैसे कराते हैं, ए डैश. क्या एलिमेंट्स बचेंगे, 2, 5, 6 तो ए में काउंट हो गए, तो यूनिवर्सल सेट में और क्या क्या बचा, 1 बचा, 3 बचा और 4 बचा. तो आंसर क्या जाएगा, 1, 3, 4. समझ आया क्या, यूनिवर्सल सेट में होते तो क्या कह रहे हो, सिंपली सेट में होते तो आपको यूनिवर्सल सेट सोचना पड़ेगा क्या होगा. मैंने बताया था आपको, हर एक सेट का एक यूनिवर्सल सेट होता है. भाई कोई भी चीज खरीदने जाओगे तो उसकी एक दुकान होगी, आपको सोचना पड़ेगा कि क्या होगा वो. या जनरली 99% तो आपको गिवन देगा, वो आपको गिवन देगा कि यूनिवर्सल सेट ये मानो, यूनिवर्सल सेट ये मानो, ए या बी सेट कोई दे देगा, उस यूनिवर्सल सेट में से इस ए सेट के एलिमेंट्स को हटाओ, बचे हुए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स डाल दो, वो हो जाएगा उस सेट का कॉम्प्लीमेंट. एक और सेट होता बी, उसमें 4 और 3 होते तो भी ए कॉम्प्लीमेंट तो यही होता ना, ए के ही छोड़ोगे ना एलिमेंट, अब बी कॉम्प्लीमेंट अलग से निकलेगा, बी डैश अलग से निकलेगा. अब बी के छोड़ दो, 3 और 4 बचे क्या, 1, 2, 5, 6, तो बी डैश में क्या हो जाएगा, 1, 2, 5, 6. भाई जब ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए के एलिमेंट छोड़ेंगे, बाकी और किसी सेट के एलिमेंट्स हैं वो सब लेने, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स लेने, केवल ए के छोड़ देने और बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल. हाँ, ये भी डिफरेंस की तरह ही, एक्चुअली है ही डिफरेंस. यूनिवर्सल सेट में से उस सेट का डिफरेंस है, यूनिवर्सल सेट में से जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हो उस सेट का क्या है, ये डिफरेंस. ठीक है, समझ आया. ठीक है, तो एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देते हैं. द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, फॉर एग्जाम्पल ए ले लो, इज ए सेट. उसको भी हम एक सेट ही कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट भी. बदले में अभी जो हमको आंसर मिला वो भी एक सेट ही था ना, इज ए सेट. इस सेट के अंदर क्या क्या होंगे, कंसिस्टिंग ऑफ, सारे एलिमेंट्स होंगे किसके, किसके होंगे सारे एलिमेंट्स, उसके कॉम्प्लीमेंट के, जो सेट ए है, सेट ए का जो कॉम्प्लीमेंट बनाया उस कॉम्प्लीमेंट में सारे एलिमेंट्स किसके होंगे, यूनिवर्सल सेट के, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू, यूनिवर्सल सेट यू एक्सक्लूडिंग द, और छोड़ किसके दिए अपन एलिमेंट्स, किसके एलिमेंट छोड़ दिए बताओ, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए के ही छोड़ेंगे,
बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी के, तो अभी सेट ए के कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो तो ए के एलिमेंट्स को छोड़ दो, एक्सक्लूडिंग द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, लिख लिया। सिंपल सी और सरल सी परिभाषा है कि यूनिवर्सल सेट के तो सारे एलिमेंट ले लो, छोड़ किसके दो आप, क्योंकि आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहे हैं तो ए के ही एलिमेंट्स को छोड़ दो। अगर आप बी का कॉम्प्लीमेंट, सपोज करो सेट बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो सेट बी के एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर दो और यूनिवर्सल सेट के सारे ले लो। सेट सी का निकालेंगे तो सेट सी के एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर दो और बचे हुए यूनिवर्सल सेट के सारे लिख दो, ठीक है। सारे एलिमेंट्स लिखने यूनिवर्सल सेट के और माइनस क्या करना है ए के। तो मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं, मैथमेटिकली वी कैन से दैट वी कैन से दैट, मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं, अच्छा सॉरी एक मिनट रुको, इसका पहले नोटेशन डालो यहाँ पे, इट इज डिनोटेड बाय ए डैश, फिर लिखेंगे कि मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। इट इज डिनोटेड बाय सी, हाँ सी भी लगा सकते हैं लेकिन वो ज्यादा प्रचलित नोटेशन नहीं है, ए उसके ऊपर छोटा सा सी लगाती है, है ना, वो भी लिख सकते हो लेकिन ज्यादा प्रचलित नहीं है। इट इज डिनोटेड बाय, जनरली हम ए डैश लगाते हैं और आप जो कह रहे हो ए कॉम्प्लीमेंट, लाइक दिस ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा प्रचलित कौन सा है, जनरली क्वेश्चंस में यूज होने वाली चीज कौन सी है, ए डैश। डैश का मतलब ये होता है कि इसके अलावा, मैंने कहा खुशी डैश मतलब खुशी के अलावा, ठीक है, मैंने कहा परी डैश तो परी के अलावा, कौन से स्टूडेंट्स बच गए वो सारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। मैथमेटिकली वी कैन से दैट कि ए डैश जो होगा उसके अंदर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स होंगे, बस किसके नहीं होंगे, ए के नहीं होंगे, ये मैथमेटिकल नोटेशन हो गया। आपको बी डैश निकालना है यू माइनस बी कर दो, आपको सी डैश निकालना है यू माइनस सी कर दो, यू तो लेना ही है, बस जिसका भी डैश निकाल रहे हो उसी के एलिमेंट्स हटा दो, समझ में आया, ठीक है, कृति का समझ में आया। और अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे तो कैसे लिख सकते हो आप, ऑल दोस एक्स सच दैट एक्स यू में तो बिलोंग करता है, यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करता है, बट या एंड, एंड कब लगाते हैं जब दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करानी हो, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, एक्स यू में तो बिलोंग करे मतलब यू का तो एलिमेंट हो एक्स, लेकिन साथ में ए का एलिमेंट वो ना हो। एंड की प्रॉपर्टी कब लगाते हैं, एंड वर्ड कब लगाते हैं, जब इस एक्स को ये वाली प्रॉपर्टी भी माननी है और ये वाली प्रॉपर्टी भी माननी है, तो एक्स वो एलिमेंट है जो यू में होगा और ए में नहीं होगा, तो यू के बचे हुए एलिमेंट सारे आपको इसमें लिखने हैं, ये हो गया इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, क्लियर है, ये हो गया इसका मैथमेटिकल नोटेशन, ठीक है। अब डेफिनेशन हो गई, मैथमेटिकल नोटेशन हो गया, अब वेन डायग्राम, तो इसका वेन डायग्राम बना देते हैं। बनाओ एक यूनिवर्सल सेट और साथ में एक अंदर का कोई सेट ए, ठीक है। तो लेट अस सपोज अगर ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है, तो ए के एलिमेंट्स तो काउंट नहीं करने हैं, बचे हुए एलिमेंट्स काउंट करने, तो बताओ कौन सा एरिया शेड करेंगे हम, ए के अलावा जो खाली स्पेस दिख रहा है, भाई ए का तो नहीं करना है, ए के एलिमेंट्स तो नहीं चाहिए, बाकी बचा हुआ यूनिवर्सल सेट सारा चाहिए, तो ए के अलावा जो ये बचा हुआ एरिया दिख रहा है ये पूरा काउंट कर दो, ये पूरा शेड कर दो, ये हो जाएगा आपका ए डैश।
ठीक है, ड्राइंग सीख जाऊंगा मैं सब करते करते एक दिन। ठीक है, ये हो गया आपका ए डैश। ठीक है, मैं क्या लिख सकता हूं, ये है मेरा, ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज ए डैश। ठीक है, क्लियर है, बचा हुआ जो पोर्शन है यूनिवर्सल सेट का एक्सक्लूडिंग द एलिमेंट्स, ये हो गया वेन डायग्राम, ये हो गया ये। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, तो यहां से देखेंगे आप प्रॉपर्टीज। अच्छा एक चीज और सुनो, जनरल टॉक करते हैं, जब अपन ने ये ए डैश बनाया और ए बनाया, तो ए में कौन सा एरिया है, दिस वन, और ए डैश में दिस वन, तो कॉमन सेंस से आप बता सकते हो ना कि सेट ए और सेट ए डैश दोनों डिसजॉइंट है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, जो ए में मिलेगा वो ए डैश में नहीं मिलेगा, जो ए डैश में मिलेगा वो ए में नहीं मिलेगा। तो इसको हम लास्ट में नोट डाउन करके लिखेंगे कि एनी सेट ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट आर ऑलवेज डिसजॉइंट, कोई भी सेट उठाओ उसका कॉम्प्लीमेंट बनाओ तो हमेशा डिसजॉइंट बनेंगे, उसमें कुछ भी चीज कॉमन नहीं आएगी। ठीक है ना, ये जो छोटी मोटी चीजें हैं इनको एनालाइज करते रहना चाहिए। अच्छा ये सेट बन गया, अब इसमें क्योंकि ये क्वेश्चंस करने में स्पेशली मिसलेनियस क्वेश्चन करने में ये काम आती है। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज कर रहे थे अपन, चाहो तो अपन प्रॉपर्टी में लिख देंगे ये चीज। हाँ जी, देखो किसी भी सेट का उसी के कॉम्प्लीमेंट से अगर यूनियन करा दे, यूनियन करने का जनरल मीनिंग होता है ऐड करना, सेट्स को ऐड करना, यूनियन करना है, सेट्स को ऐड करना क्या है, यूनियन करना है। बस उसमें एक बात का खास ध्यान रखा जाता है कि कॉमन एलिमेंट्स एक बार लिखते हैं, बस ये स्पेशल नोट याद रखना, नहीं तो सिंपली हम ऐसे याद कर सकते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स मींस एडिशन ऑफ सेट्स, एडिशन ऑफ सेट्स का मतलब कि एडिशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, उन सारे सेट को एक सेट में रखना, इसके उठा लिए इसके उठा लिए, अब दोनों को एक में रखना, वो है इन दोनों का यूनियन करना। तो अगर एक सेट ए है ए और उसी का कॉम्प्लीमेंट है ए डैश, उन दोनों को जोड़ दें तो यूनिवर्सल सेट तैयार होगा। सोचने वाली बात है ना भाई, ये ए डैश कैसे तैयार किया था आपने, अभी ये ए डैश आपने इस यू में से इस ए को घटा के तैयार किया है, अभी अभी अपन ने लिखा भी तो है ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, तो ये माइनस ए को अगर मैं उधर ले जाऊं तो ये ए प्लस हो गया, है ना। अब सेट्स में प्लस तो वर्ड चलता नहीं है, क्या चलता है, यूनियन, तो ए यूनियन ए डैश क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट बन गया। ठीक है, अच्छा इंटरसेक्शन अभी अभी आपको बताया मैंने, अभी अभी बताया कि किसी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा, फाई होगा। अच्छा इन दो लॉस को कहते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट लॉस, भाई एक सेट का उसी के कॉम्प्लीमेंट से यूनियन करना और एक सेट का उसी के कॉम्प्लीमेंट से इंटरसेक्शन करना, दीज टू लॉस आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट लॉस। एक का आंसर आएगा यूनिवर्सल सेट, एक का आंसर आएगा फाई। दूसरी चीज ये है कि इसके आगे ही आप मार्क करके लिख दो कि ए डैश ए, ये वाला जो लॉ लिखा है ना आपने, इसी के आगे हल्का सा हिंट डाल के लिख लो कि सो ए एंड ए डैश आर डिसजॉइंट, क्योंकि कोई भी दो सेट जिसका इंटरसेक्शन फाई आता हो वो दोनों डिसजॉइंट होते हैं, तो आर डिसजॉइंट सेट्स, सो ए एंड ए डैश आर ऑलवेज एन एग्जांपल ऑफ डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स।
ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ नोट कर लिया क्या आपने? चलो नोट कर लिया तो कर दो, लेकिन मैं समझाऊंगा आखिर में, पहले फिफ्थ सिक्स सेवन समझाए कर लो एक बार। चलो सातों नोट कर लो। हाँ सेकंड वाला है जो, हाँ बोल, समझ गए। सेकंड वाले का ये स्पेशल नोट है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई होता है, इसीलिए सो ए एंड ए डैश को डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। ठीक है, हो गया यहां तक। अब मैंने क्या कहा, आपने नोट तो सारे कर लिए होंगे, लेकिन मैं पहले फिफ्थ सिक्स सेवन्थ प्रॉपर्टी को पहले समझा देते हैं ना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, आखिर में देखते हैं जल्दी। ठीक है, चलें आगे। देखो लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, कॉम्प्लीमेंट करके कॉम्प्लीमेंट वापस कर दिया, तो अपन मैथ्स में करते हैं माइनस माइनस प्लस, तो डैश डैश मिलके डैश, वो डैश भी खत्म, ये डैश भी खत्म। माइनस माइनस का दो बार लगा दें तो दोनों माइनस का इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो डैश लगा के वापस डैश लगा दें तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, ये यूनिवर्सल सेट है ना, इसमें वही वन टू थ्री फोर फाइव, मान लो थ्री और फाइव का एक सेट है, ये ए है, तो मुझे बताओ ए डैश क्या होगा, वन टू फोर बचे हुए एलिमेंट, इसका भी डैश क्या होगा, यानी यूनिवर्सल सेट में से वापस वन टू फोर हटाओगे तो वापस थ्री फाइव मिलेगा, मिलेगा तो ए डबल डैश वापस ए मिल जाता है, समझ में आया। कॉम्प्लीमेंट करके वापस कॉम्प्लीमेंट कर दो तो वापस से वो एलिमेंट हटा दिए, तो फिर वही एलिमेंट्स मिले जो शुरू में काउंट किए थे थ्री और फाइव। ठीक है ना, ये है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, दो बार कॉम्प्लीमेंटेशन कर दिया। अच्छा तीन बार करते हैं फिर, अब क्या आंसर आएगा, अब ए डैश आएगा, और चार बार करते हैं फिर वापस ए, यानी ऑड में चलें, ऑड में चलें, नंबर ऑफ डैश अगर ऑड क्वांटिटी है वन थ्री फाइव तो आंसर ए डैश आएगा, और नंबर ऑफ डैश अगर इवन क्वांटिटी है टू फोर सिक्स एट तो फिर क्या चलेगा, ए ही आंसर आएगा, मतलब है ना। ठीक है, हाँ जी, फाइव का कॉम्प्लीमेंट, फाइव क्या क्या होता है बताना जरा, एम्प्टी सेट, मान लो वन टू थ्री फोर फाइव, और ये सेट ए है, सेट ए में कोई भी एलिमेंट है क्या, तो सेट ए को कह सकते हो फाइव है ये, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी इसके एलिमेंट्स को छोड़ के बचे हुए एलिमेंट्स लेने, तो इसमें कुछ है ही नहीं तो छोड़ोगे क्या, सारे ही लोगे, तो आंसर वो होगा यू का यू ही आएगा। ठीक है, तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट यानी ऐसा सेट जो खाली है उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो सारे एलिमेंट्स काउंट होंगे, यू का यू ही आंसर आएगा। और इसका उल्टा होता है, अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लें, यानी कि यूनिवर्सल सेट के ही सारे एलिमेंट्स हटा दिए, यूनिवर्सल सेट के ही सारे एलिमेंट्स हटा दिए, तो अब कुछ ही नहीं बचा, तो क्या हो जाएगा फाई, इसको कहते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी सेट और लॉ ऑफ यूनिवर्सल। फाई का कॉम्प्लीमेंट यू, यू का कॉम्प्लीमेंट फाई, दोनों एक साथ चल रहे हैं, याद आ जाएंगे। अब देखो थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, इसको डी मॉर्गन्स लॉ भी कहते हैं, सुना होगा आपने डी मॉर्गन्स लॉ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि ए यूनियन बी करके पूरे, पहले ए है फिर बी है, इन दोनों का यूनियन कर दो, एक सेट मिल गया, इस सेट का अगर आप डैश करो और दूसरी जगह आप ए का डैश करो और बी का डैश करो और उसका इंटरसेक्शन करो, ये दोनों आंसर सेम आएंगे। अगर बीच में यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन हो जाता है, और बीच में अगर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन हो जाता है, और ऐसा का ऐसा ही काम उल्टा कर दो तो भी होता है, अगर इधर इंटरसेक्शन कर दो तो इधर यूनियन हो जाता है, दोनों डी मॉर्गन्स लॉ में आते हैं। फटाफट से एक एग्जांपल देखते हैं इसका, मान लो ए में एलिमेंट्स हैं वन टू, ये थ्री इंटरसेक्शन में डाल देते हैं और फोर फाइव सिक्स यहां डाल देते हैं, कोई डाउट। अब मैंने कहा ए यूनियन बी बताओ, तो ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट्स होंगे कौन कौन से, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स बाहर भी छोड़ दो, सेवन एट नाइन, ठीक है, तो ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आए बताओ, सेवन एट नाइन, ये सारे एलिमेंट्स हो गए। अब इसका डैश करना है, इसका डैश करना है, इसका डैश करना है मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन के अलावा क्या एलिमेंट्स, सॉरी सेवन एट नाइन थोड़ी ना है,
सिक्स तक है, भावनाओं में बह गए एक, हाँ सिक्स तक ही तो है। तो ए डैश बी, ए यूनियन बी का होल का डैश करना है, यानी इस पूरे सेट का क्या करना है मुझे, डैश करना है। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स के अलावा क्या बचा, सेवन एट नाइन, ये तो मैंने यहां से सॉल्व किया इसको, अब यहां से सॉल्व करो। तो ए डैश क्या है बताओ, जरा बताओ ए डैश क्या है, केवल ए के एलिमेंट छोड़ दो, ये ए है ये बी है। तो वन टू थ्री ए में है, बचा क्या, अरे हाँ सही है सही है सही कह रहे हो, सेवन एट नाइन भी तो आएगा, ए के अलावा तो बाहर के एलिमेंट्स भी आएंगे ना, बी के भी आएंगे सर। तो फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, अब बी डैश करना जरा, बी के एलिमेंट्स छोड़ दो, बी के एलिमेंट्स क्या है, थ्री फोर फाइव सिक्स, तो वन टू वन टू थ्री, तो बी में ही है ना बेटा, आपको बी डैश करना है ना, तो आप ए को क्यों देख रहे हो, आप बी के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारी एलिमेंट्स लिखो, ये मेन कॉन्सेप्ट है। जब भी अपन कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं तो उसी सेट की तरफ नजर डालते हैं, ऐसे नहीं देखते कि ये एलिमेंट साथ में किसके पास आ रहा है। तो बी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो बी सेट में क्या क्या आ रहा है, थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्री फोर फाइव सिक्स के अलावा क्या बचा, वन टू सेवन एट नाइन, ठीक है। अब बी डैश और ए डैश का इंटरसेक्शन करो, इंटरसेक्शन करने का मतलब क्या हो गया कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स चेक करो, बताओ दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, सेवन एट नाइन। तो ए डैश और बी डैश का जो इंटरसेक्शन आया वो क्या आया, और उधर भी आंसर वही आया था, चेक करो। तो ए यूनियन बी का होल डैश करो या ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन करो, बात एक ही है, ऐसे कैसे अपन इसका उल्टा भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इस थ्री में कंफ्यूज मत होना बेटा, बी डैश करोगे तो थ्री काउंट नहीं होगा, ए डैश करोगे तो भी थ्री काउंट नहीं होगा, क्योंकि ए में भी है थ्री, जो इनका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो तो दोनों के डैश में काउंट नहीं होगा, ना ए डैश में काउंट होगा और ना ही बी डैश। तो ये था आपका डी मॉर्गन्स लॉ, इसका एक क्लासिक एग्जांपल है आपकी बुक में, जिसमें अपने को इसको वेन डायग्राम में शो करना है, डी मॉर्गन्स लॉ को अपने को किस में शो करना है, वेन क्वेश्चन है ना, तो वो अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे। और अभी ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ, यानी आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज 1.5 का जो भी अपने को सीखना है अपन ने कंप्लीट कर दिया, अब केवल 1.6 बचती है, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ये अपन 1.6 के उसमें ही देखेंगे। तो 1.5 कल ही शुरू करें फिर, हो गया आज का टाइम, तो कॉम्प्लीमेंट एक बार देख लेता हूँ, कुछ बचा तो नहीं, डेफिनेशन लिख ली हमने, फिर एग्जाम्पल्स हैं सारे, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन देख लिया, और द कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स इज द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ये वही चीज है जो अभी अपन ने किया था, डी मॉर्गन्स लॉ निकल के आया, ये वाली चीज है ना, पहला ये दूसरा, ए यूनियन बी का होल डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। डबल कॉम्प्लीमेंटेशन कर दिया, एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट के लॉ लिख दिया, कॉम्प्लीमेंट लॉस भी लिख दिए, रिवाइज करेंगे बार फटाफट, बताओ कॉम्प्लीमेंट लॉस क्या है, कि खुद का खुद से ही खुद के कॉम्प्लीमेंट से ही यूनियन और इंटरसेक्शन करना, तो उधर मत देखना स्क्रीन पे, मेरी तरफ देखो, अगर किसी सेट का खुद ही के सेट से यूनियन कर दे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट, खुद का खुद के कॉम्प्लीमेंट यानी बच्चे हुए आसपास ब्रह्मांड में मंडरा रहे हैं मेरे अलावा, जैसे पृथ्वी ए है तो ए के अलावा आप कॉम्प्लीमेंट पूरा ब्रह्मांड है, उसमें मार्स भी आ गया, नेपट्यून प्लूटो सारे ग्रह आ गए, तो इसको भी काउंट कर लिया और सबको काउंट कर लिया तो वापस पूरा ब्रह्मांड बन गया, तो ए यूनियन ए डैश क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इंटरसेक्शन क्या होगा, कुछ नहीं होगा क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स हैं वो दोनों, ए और ए डैश में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, वो फाई हो जाएगा। ये तो इन दो लॉस को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉस, क्या कहते हैं, परफेक्ट। अब डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है, ए डैश का भी होल डैश क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ये होता है डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब बात करते हैं डबल कॉम्प्लीमेंटेशन हो गया, हाँ यूनिवर्सल सेट का लो और एम्प्टी सेट का लो क्या होता है, तो यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट करें तो फाई बनेगा, ये तो है लो ऑफ यू, लो ऑफ यूनिवर्सल सेट, और फाई का डैश करें तो क्या बनेगा, यू बनेगा, ये है लो ऑफ एम्प्टी सेट, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बचता है डी मॉर्गन्स लो, डी मॉर्गन्स लो क्या कहता है कि ए यूनियन बी का होल डैश करें तो क्या आएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश करें तो क्या आएगा, ए डैश यूनियन बी डैश, ये सात लॉज हमको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में आता है, क्लियर है सभी को, हो गया टाइम, ये बचा है बताओ।
नहीं फिर एक साथ ही करेंगे, वो एक ही फ्लो में करने में मजा आता है, पूरी एक्सरसाइज एक ही दिन में सॉल्व करेंगे अपना, साथ ही तो क्वेश्चन से। ठीक है कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।